यहाँ पर हम जो पहले हमने उसूल सीखे थे कोतमा का दूसरा उसूल, यक्षा कायदे वाले कोतमा यादात की अगर तकसीम हो तो उसी उसूल का दूसरा हिस्सा ये है। मिसाल के तौर पर एक अदद हमारे पास दिया हुआ है चार की कुवत छः तकसीम चार की कुवत तीन, ये मिसाल तो हम पहले हल कर चुके हैं। हमें मालूम है कि छः में से तीन गए तो हमारा जवाब आ गया चार की कुवत तीन। लेकिन अगर मिसाल इस तरह से हो कि चार की कुवत तीन तकसीम चार की कुवत सात या छः, यानी पहला अदद से बड़ा दूसरा अदद हो कुवत नुमाया अदद, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में हम पहले इसको समझने के लिए तौसी करके लिखने की कोशिश करेंगे। चार की कुवत तीन यानी चार ज़रब चार ज़रब चार, तकसीम यानी बटे चार की कुवत सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार हमने चार का ज़रब कर दिया। अब ये तीन, ये नीचे के तीन से कट गए, यहाँ पर बचा सिर्फ एक, ये जवाब आया एक बटे चार, कितने बचे एक दो तीन चार, चार की कुवत चार बटा में चला गया। इसे समझ में आया हमारी कि चार की कुवत तीन तकसीम, अगर चार की कुवत सात हो तो कायदा यकसा है, इस बिना पर चार लिख दिए। अब असास जो कुवत नुमाए अदाद जो हैं उनकी तफरीक करेंगे, तीन में से सात गए तो यहाँ बचेंगे चार की कुवत मनफी चार। और इससे पहले हमने एक उसूल देखे कि अगर किसी अदद की कुवत मनफी में हो तो वो जवाब में जाते वक्त एक के बटा में चला जाता है और उसका जवाब मस्बत आता है। यहाँ पर हमने आसानी से इसको समझ लिए। अब इस बिना पर जो उसूल अखस होगा कुवत नुमा का एक नया उसूल, कि अगर ए कोई गैर सिफर नातिक अदद हो और M और N ये सही आदाद हो और यहाँ पर N बड़ा हो M से, हमने पहले देखे थे कि M बड़ा था N से, तो ऐसी सूरत में एक नया उसूल बनता है A की कुवत M बटा A की कुवत N बराबर A की कुवत M नफी एन।